मुरैना चंबल अंचल में नौतपा से 6 दिन पहले ही गर्मी का भीषण कहर आरंभ हो गया है। दोपहर के समय सड़कें जहां सुनसान दिखाई दे रही हैं, वहीं गर्मी के बुखार से चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। नौतपा के दौरान उच्चतम और न्यूनतम तापमान के बढ़ने की प्रबल संभावना है। इसमें थंडर स्टार्क भी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लू व तेज गर्मी से बचने के लिए आम आदमी से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। बीते 5 दिनों से आम नागरिकों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 6 दिन से न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तो उच्चतम 45 तक पहुंच गया है। अचानक बढ़ी गर्मी से चिकित्सालयों में गर्मी के बुखार और लू के पीड़ित मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चिकित्सालय प्रबंधन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जैसे मौसम गर्मी के मौसम में थोड़ा बढ़ावा हुआ है, उसे बढ़ने के बाद हॉस्पिटल में जो रूटीन ओपीडी चलती थी उसमें काफ़ी मरीज बढ़ गए हैं और लगभग दोगुनी संख्या में मरीज यहाँ पर हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं। तो जो मरीज हमारे पास हॉस्पिटल में उपचार के लिए आते हैं तो उनका उपचार वार्ड में एडमिट करके किया जा रहा है और बाकी काउंसलिंग भी मतलब डॉक्टर्स के द्वारा, नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा सभी की जा रही है। जिनको आवश्यकता उनको ORS घोल भी पाउडर भी दिया जा रहा है, वहाँ की जिस दवाई की आवश्यकता वो भी सब उनको दिया उपचार किया जा रहा है। लोगों से मैं शहरवासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि विशेष सावधानी रखें। अभी गर्मी के मौसम को देखते हुए घर से जब भी निकलें तो अपने चेहरे को ढक के कपड़े से बंद करके निकलें और खूब मात्रा में पानी पिएं, 10 से 12 गिलास प्रतिदिन पानी पिएं। और जब भी घर से धूप में बाहर निकलें तो छाछ या लिक्विड ऐसा तरल पदार्थ लेकर ही घर से बाहर निकलें। और बाहर की जैसी चीज़ें चिकनाई की या तेल की या गर्म मसाले वाली कुछ का उपयोग कम से कम मात्रा में करें। और रूटीनली जैसे सुबह शाम जो काम करते हैं वो काम दिन के टाइम पर धूप में कम से कम।